तो फिर एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो घर वाले बिल्कुल शौक हो गए कि क्या अगरबत्ती बनाएगा, उसमें एक छोटा बिजनेस है, वो एक छोटा व्यापार है, उसमें कुछ नहीं होगा, तो तेरा नौकरी ही सही है, नौकरी में अच्छा है, धीरे धीरे पोजीशंस बढ़ेंगी, सैलरी भी बढ़ेगा। और वो ये सोचते हैं कि ये बिजनेस जो है आपका रोजी रोटी के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता, मतलब इससे एक रोजी रोटी ही चलेगी, और एक गरीब उद्योग है, लघु उद्योग है, ये छोटा धंधा है, इसमें कुछ नहीं है। क्या कहते थे, अरे अगरबत्ती वाला जा रहा है, और कई कई लोग तो मेरा नाम ही अगरबत्ती के नाम से दे दिए थे कि ये फलाना अगरबत्ती वाला आ गया भाई। तो उस टाइम थोड़ी सी शर्मिंदगी होती थी, लेकिन अभी के टाइम पे उन वही लोग जो है ये बोलते हैं कि अरे भाई बड़ा अच्छी चीजें आपने बना ली है, फैक्ट्री भी आपने बना ली है, सिटी में, मेन सिटी में आपने शॉप भी ओपन कर लिया, बहुत अच्छा बिजनेस आप चला रहे हो, ये चीजें लोग आज के टाइम पे कहते हैं। तो हमें एक ना गर्व महसूस होता है कि हाँ, हमने ये बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा किया है। तो फिर एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ये गाना भी शायद आपने कुछ सुना तो होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी दिल की बात जो है आपको बताने वाला हूँ, और एक छोटा सा जो है मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो होगा। तो फिर जो है शुरुआत करते हैं, और मैं अपने एक दौर के बारे में आपको बता रहा हूँ जहाँ से मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत जब की थी, तो मुझे क्या क्या परेशानियाँ जो है झेलनी पड़ी थी। और ये परेशानियाँ नहीं मैं कहूँगा एक छोटा सा सबक है, जो कि आपको अगर नए स्टार्टअप आप करने वाले हो, एक नया अगरबत्ती बिजनेस आप कर, भी चीज़ नई चीज़ों को करने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो सीधी सी बात है कि या तो हम अपने घर वालों के बीच में वो चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर जो है दोस्त हो गए, या फिर पड़ोस में रहने वाले लोग हो गए, तो एक हमारा जो विचार होता है, मतलब हमारी जो सोच होती है कि हम एक नई चीज़ों की शुरुआत करें, सपोज अगरबत्ती बिजनेस की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, और उसी टाइम मेरी भी एक अगरबत्ती बिजनेस की शुरुआत हुई थी, और एक एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि अगर आप इन फ्यूचर कभी भी बिजनेस करें तो ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी, और जो है इससे जो है एक छोटा सा सबक लिया जा सकता है। तो होता क्या है ना, जब चीज़ें हम खुलकर लोगों के बीच में बोलते हैं, या घर वालों ये हो गए, या फिर दोस्त हो गए, या फिर और कोई हो गया, तो इसी बीच क्या है, मैं भी एक जो मेरा बिजनेस का जो माइंडसेट चला था उस टाइम की, अगरबत्ती बिजनेस हमारे लिए अच्छा हो सकता है तो इसमें हम काम करेंगे, लोगों घरों में ये चीज़ें बात हुई, घर में बात होने के बाद घर के लोग शॉक्ड हो गए कि क्या है भाई ये अगरबत्ती क्या है तू, क्योंकि उस टाइम क्या है, छोटा सा मेरा जॉब भी चल रहा था, और वो छोड़ के मैं ये बिजनेस करने की प्लानिंग की बात मैंने की हुई थी। तो घर वाले बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि क्या अगरबत्ती बनाएगा, उसमें एक छोटा बिजनेस है, वो एक छोटा व्यापार है, उसमें कुछ नहीं होगा, तो तेरा नौकरी ही सही है, नौकरी में अच्छा है, धीरे धीरे पोजीशंस बढ़ेंगी, सैलरी भी बढ़ेगा। अब घर वाले तो ये चीजें बोल गए, उसके साथ साथ जो है अब दोस्त से ये चीजें चर्चा हुई कि बिजनेस यार करना है, तो ये मैंने प्लानिंग की हुई कि अच्छा रहेगा, तो ऐसे देखने लगे कि भाई तू क्या करने वाला है। तो वहीं पे चीजें क्या है ना, ये हो जाती हैं कि एक जो हमारा अगरबत्ती बिजनेस है ना, उनको एक छोटे रूप में ले लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये बिजनेस जो है आपका रोजी रोटी के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता, मतलब इससे एक रोजी रोटी ही चलेगी, और एक गरीब उद्योग है, लघु उद्योग है, ये छोटा धंधा है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो वो चीज़ें हो गई, लोगों ने ये तो चीज़ें सुना दी, लेकिन मैं अपने मतलब जो मैंने सोच के रखी हुई थी उसमें मैं अडिक था कि नहीं, मुझे करना है तो यही करना है, क्योंकि उसके पीछे की जो प्लानिंग है वो मैंने पूरी तरीके से कर ली थी कि इस तरीके से चीज़ों को बनानी है, फिर मार्केट में इस तरीके से जो प्रोसेस होंगे, डीपी ऑयल, अगरबत्ती, परफ्यूम से सारी करके अपने को मार्केट में बेचनी है, और एक अच्छा और अच्छा प्रोडक्ट जो है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। तो वहां तक की चीजें हो गई। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि अगर किसी काम की शुरुआत के लिए अगर आप आगे आए हो, साथ नहीं दे रहे, या फिर आपका दोस्त हो गए, या फिर और जो चीजें हो गई वो अगर साथ नहीं दे रहे ना, तो फिर एक चीज़ें आप लेके चलो, अगर 100% आपका काम सही है और इस चीज़ को आप पूरी
पूरे दिल से अगर करना चाह रहे हो, मतलब उसमें मेहनत देना चाह रहे हो, या फिर आग की तरह आप अपने आप को झोंकना चाह रहे हो, तो बिल्कुल लग जाइए और किसी के बातों पे ध्यान नहीं दीजिए आप। वो जो लोग हैं वो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए ही आपको बोलेंगे। जैसे जैसे आपके काम बढ़ते जाएंगे, आपको उनको खुद ही लगेगा कि भाई इन्होंने एक छोटे रूप से स्टार्ट किया था और आज यहाँ से लेके उठ के कहाँ तक चले गया। तो ये चीज़ें मेरी साथ हुई है। और अभी के टाइम पे लोग ये कहते हैं, पहले क्या कहते थे, अरे अगरबत्ती वाला जा रहा है भाई, और कई कई लोग तो मेरा नाम ही अगरबत्ती के नाम से दे दिए थे कि ये फलाना अगरबत्ती वाला आ गया भाई। तो उस टाइम थोड़ी सी शर्मिंदगी होती थी, लेकिन अभी के टाइम पे उन वही लोग जो है ये बोलते हैं कि अरे भाई बड़ा अच्छी चीज़ें आपने बना ली है, एक फैक्ट्री भी छोटा सा जो भी है फैक्ट्री भी आपने बना ली है, सिटी में मेन सिटी में आपने शॉप भी ओपन कर लिया, बहुत अच्छा बिजनेस आप चला रहे हो। ये चीज़ें लोग आज के टाइम पे कहते हैं, तो हमें एक ना गर्व महसूस होता है कि हाँ हमने ये बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा किया है। और जो लोग उसी टाइम पे चीज़ों को गलत मानते थे, आज उसी टाइम पे वही लोग वो ये बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। और आपको अगर बिजनेस की शुरुआत करनी हो, चाहे अगरबत्ती हो चाहे और कोई बिजनेस हो, तो पूरे दिल से आप लग जाइए। लोगों का काम है कहना और लोग जो है कहते रहेंगे। आप अपने काम और आपकी मेहनत और जो भी चीज़ें हैं आप उसमें 100% ध्यान दीजिए, आपको सफलता और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।